जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फरवरी माह का अंतिम पार्ट डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप भी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कहाँ पर चाइल्ड फ्रेंडली नगर बनाया जाएगा? चाइल्ड फ्रेंडली नगर किसके द्वारा बनाया जाएगा? बाल अधिकार संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, संरक्षण आयोग द्वारा। कहाँ पे बनाया जाएगा? सांची में बनाया जाएगा। सांची कहाँ पर है? सांची है रायसेन में। क्यों बनाया जाएगा? बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए। क्यों बनाया जा रहा है? बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए। और देखते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है प्रियंक कानुंगो द्वारा। ये कहां पर है? सांची। महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली नगर देश के 50 शहरों में शामिल है। चाइल्ड फ्रेंडली नगर में ये क्या है? देश के 50 नगरों में शामिल किया गया। किसको? सांची को। आगे देखते हैं सांची का स्तूप का निर्माण। देखते हैं सांची आया तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक द्वारा। अशोक मौर्य कालीन राजा थे, मौर्य राजा। और ये कहां पे बनाया गया? ये बनाया गया रायसेन में। कौन सी शताब्दी में? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, अगला देखते हैं। मगध का शासक था ये। मध्य प्रदेश के कौन से एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि के मामले में 18वां स्थान मिला है? कौन से नगर एयरपोर्ट को मिला 18वां स्थान? राजा भोज। ग्राहक संतुष्टि क्या होता है? ग्राहकों के सर्व सुविधा उपलब्ध। कहां पर है राजा भोज? भोपाल में। इसका सही आंसर क्या है? राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 2019 में देवी अहिल्याबाई, 2019 में कहाँ के लिए? दुबई के लिए भरी थी। 1948 से जो इंदौर से जो एरोप्लेन चल रहे थे, ये कहाँ पे के लिए चल रहे थे? दिल्ली और मुंबई के लिए। सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोची। कहाँ पर है? केरल। सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोची, केरल। अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब या भी हाल ही में देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर। अगला है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अभी तक कौन सा है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ये कहां पे है? दिल्ली में।
लेकिन अभी हाल ही में एक बन रहा है एयरपोर्ट, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे बनेगा? जेवर एयरपोर्ट नोएडा में। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट नोएडा, और इससे पहले कौन सा था? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। मध्य प्रदेश में बम डिस्पोजल स्क्वाड में बम को दूर से डिफ्यूज करने के लिए 5 कैमरों से लैस एक डिवाइस तैयार किया गया। इसमें क्या होगा, दूर से ही बम को डिफ्यूज किया जाएगा, डिफ्यूज किया जाएगा। कौन सा है? कोबरा, सही ऑप्शन क्या है? कोबरा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है इसके, देश की पहली, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सी है, तो वो है रुद्रम। रुद्रम देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। देश की सबसे बड़ी गन का परीक्षण कहां पे किया गया है? जबलपुर में। और गन कौन सी है? सारंग। ब्रह्मोस मिसाइल के कलपुर्जों का निर्माण, ब्रह्मोस मिसाइल के कलपुर्जों का निर्माण कहां होगा? जबलपुर में। ब्रह्मोस मिसाइल किसके सहयोग से बनी है? रूस व इंडिया के सहयोग से बनी है। अगला देखते हैं, इसमें महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस मंदिर को के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की को निर्देशित किया। यह रुड़की कहाँ है? रुड़की है उत्तराखंड। किस भवन की मजबूती के लिए देखेगा वो, स्ट्रक्चर देखेगा किस मंदिर की? तो ये महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, किस मंदिर की खुदवाई के दौरान 1000 वर्ष पुराना मंदिर मिला? तो कौन से? महाकालेश्वर मंदिर की खुदाई अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि उज्जैन में महाकुंभ, मध्य प्रदेश में महाकुंभ एक ही जगह लगता है, वो कहाँ लगता है? उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ। ये कब लगा था? 2016 में। अभी नेक्स्ट कब लगेगा? 2028 में। अगर आपसे पूछा जाए कि नागेश्वर मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। इसकी खासियत क्या है? वर्ष में एक बार खुलता है, एक बार खुलता है। ठीक है, मंदिर जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है वो किस सरोवर के या तालाब के किनारे बसा है? तो ये है रुद्र सागर सरोवर। ये कहाँ पर है? मंदिर के पास में ही है, उज्जैन में। मंदिर का वर्तमान स्वरूप, अगर आपसे पूछा जाए कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वर्तमान स्वरूप किसने तैयार किया गया है? राणोजी सिंधिया के द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं मंदिर पर आक्रमण। मंदिर पर अगर बात करें आक्रमण, दिल्ली सल्तनत के एक शासक है इल्तुतमिश के द्वारा 1235 में उज्जैन पर आक्रमण किया गया और इसके द्वारा मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया था। अगला है, मंदिर दक्षिणामुखी है। ठीक है, कहा जाता है कि भगवान स्वयं शिव के द्वारा स्थापित किया गया। इसमें और देखते हैं, मंदिर के जीर्णोद्धार राणोजी सिंधिया ने कब किया है? बंगाल अभियान जब चल रहा था तब उज्जैन में कुछ समय के लिए रुके था, तब देखा इसने कि मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, तो अपने अधिकारियों को बोला था कि मंदिर का निर्माण कर दिया जाए। आगे है, और दक्षिणामुखी हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, नर्मदा महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? अभी ये 2021 का नर्मदा महोत्सव
ये कहाँ पे था? होशंगाबाद में अभी मनाया गया। कब मनाया गया? 29 फरवरी को 2021 को। इसका सही आंसर क्या है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का अभी नाम चेंज कर दिया है। नर्मदा से संबंधित अपन डिस्कस करते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक ये कहाँ पर है, किस जिले में पड़ता है अमरकंटक? तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में पड़ता है, अनूपपुर जिले में। नर्मदा की लंबाई क्या है? नर्मदा की लंबाई है 13-12 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि एमपी में कितनी है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर। 1077 किलोमीटर एमपी में है। सहायक नदियों की बात करते हैं। नर्मदा की कुल सहायक नदियाँ 41 है, उसमें से देखा जाए कि मध्य प्रदेश में कितनी सहायक नदियाँ हैं? 39, और 2 गुजरात में है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस नदी के नाम पर पुराण है? एकमात्र नदी है दोस्तों नर्मदा, जिनके नाम पर पुराण लिखा गया है, नर्मदा पुराण। आगे देखते हैं इनके उपनाम। नर्मदा को क्या क्या उपनाम से जाना जाता है? संकरी, शिवतनया, शिव की पुत्री, रेखा और रेवा सोमो देवी। एक रेवा, एक सोमो देवी, एक नामादोष। नामादोष पवित्रता के आधार पर, पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? नर्मदा को। पवित्रता के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको बोलते हैं? नर्मदा को। अगर पूछा जाए कि प्रदूषण के आधार पर, प्रदूषण के आधार पर या प्रदूषित जल के आधार पर किस किसको बोलते हैं? बेतवा को। बेतवा को एमपी की गंगा बोलते हैं। प्रदूषण के आधार पर अगर पूछा जाए तो बेतवा नदी, और पवित्रता के आधार पर पूछा जाए तो नर्मदा नदी। नर्मदा का अफवाह अफवाह प्रतिरूप कैसा है? वृषभ प्रणाली के आधार पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की कितनी नदियों को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, तो नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया है, दर्जा मिला है। एक और नोट करना दोस्तों, जीवित नदी की बात करते हैं तो एक गंगा को भी मिला है, एक यमुना को मिला है, एक नर्मदा। ये तीन नदी है भारत की, इनको जीवित नदी का दर्जा मिला है। पूरी मानव की तरह इनको अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, फेंसिंग वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को चुना गया? फेंसिंग वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए किस खिलाड़ी को चुना गया है? एक खुशी दबाड़े। फेंसिंग वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है वो देखते हैं। फेंसिंग वर्ल्ड कप, फेंसिंग क्या है दोस्तों? तो फेंसिंग एक तलवारबाजी है। फेंसिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ, तलवारबाजी। ये अगर पूछा जाए कि ये फेंसिंग वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है 2021 का, ये हो रहा रूस में, रूस में हो रहा। खुशी दबाड़े इसका देखते हैं, खुशी दबाड़े कहाँ की है? खुशी दबाड़े, खुशी दबाड़े ये कहाँ की है? तो ये भोपाल की है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं।
ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली, दोस्तों ये हर पॉइंट एक इम्पोर्टेंट है, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी या फेंसिंग कौन है? भवानी देवी। भवानी देवी। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाजी या फेंसिंग खिलाड़ी कौन सी है? भवानी देवी। आगे है शिवा थापर, फेंसिंग वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप हंगरी में हो रहा है, एक फेंसिंग वर्ल्ड कप हंगरी में हो रहा है जिसमें शिवा थापर का चयन हुआ है। ये किस जिले, किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर से है। शंकर पांडे, मध्य प्रदेश से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकर पांडे, शंकर पांडे भोपाल से है और इसको 2020 का विक्रम अवार्ड दिया गया है। शंकर पांडे, खुशी धबाड़े भारतीय टीम में चयन हुआ है इनका। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, पशुपालन विभाग का नाम बदलकर, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, पशुपालन विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया? पशुपालन विभाग का नाम बदलकर क्या किया गया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कुछ। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1944 में। मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब कहाँ पे बनाई गई है? ये बनाई गई जबलपुर में, जबलपुर में। कामधेनु प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? इटारसी, इटारसी में। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय वीर संस्थान, केंद्रीय वीर संस्थान कहाँ है? भोपाल भदभदा में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जनजाति कार्य विभाग। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर, मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने मॉडल तालाब बनाए जाएंगे? मॉडल तालाब मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में बनाए जाएंगे कितने मॉडल तालाब? दो तालाब बनाए जाएंगे, दो तालाब मॉडल तालाब बनाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दो। इसमें देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बलराम ताल योजना, बलराम ताल योजना जिलों में तालाब बनाना शुरू कर दिया था। बलराम ताल योजना तालाब बनाने के लिए एक योजना थी, 2007-08 में स्टार्ट हुई। सर्वप्रथम तालाबों का निर्माण किसने करा रहे? मध्य प्रदेश में चंदेल वंश ने। अगर आपसे पूछा जाए तालाब जोड़ो परियोजना, परियोजना की शुरुआत कहाँ गई? टीकमगढ़ से। तालाब जोड़ो परियोजना की शुरुआत टीकमगढ़ से। और पूछा जाए सर्वप्रथम तालाबों का निर्माण किसने करा? चंदेल वंश ने। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस जिले में तालाबों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वो होती है बालाघाट, बालाघाट में। पंगारा बांध की बात करते, पंगारा बांध कहाँ है? मुरैना में। इसकी स्थापना कब हुई? 1927 में की थी। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगाना शुरू हुआ। पहले किनको लगाया था? स्वास्थ्य कर्मी को पहले लगाया था, स्वास्थ्य कर्मी को। उसके बाद में फ्रंट लाइन को कब लगाया था? 8 फरवरी 2021 से इनको स्टार्ट किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कौन सी, लोगों के लिए कब से स्टार्ट हुई? अगर भारत में पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को कब से वैक्सीन लगना स्टार्ट की गई, तो 1 मई से। यह इंडिया में,
अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को कब लगी गई, 5 मई से एमपी में स्टार्ट हुई थी। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, भारत में पहला टीका किसको लगा था, मनीष कुमार को लगा था, यह कहां का है, दिल्ली का। मध्य प्रदेश का पहला टीका किसको लगा है, हरदेव यादव को लगा, यह कहां का है, भोपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि वैक्सीनेशन के पहला टीका हरदेव यादव को लगा, ये किस हॉस्पिटल का था, ये था जेपी हॉस्पिटल, जेपी हॉस्पिटल, ये कहाँ है, भोपाल में। कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू कब हुआ था, स्टार्ट 16 जनवरी 2021 को। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में कहाँ इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना बनाया जाएगा, ये इंटरनेशनल है दोस्तों, ये कहाँ पे बनाया जाएगा, इंदौर में बनाया जाएगा फर्नीचर क्लस्टर और खिलौने। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, देश का पहला टॉय क्लस्टर कहाँ बनेगा, देश का पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ पे बनेगा, इंदौर में। हरा सोना किसको बोलते हैं, हरा सोना बोलते हैं बांस को। दुनिया का पहला लकड़ी का अंतरिक्ष उपग्रह, दुनिया का पहला लकड़ी का अंतरिक्ष उपग्रह किस देश विकसित कर रहा है, जापान। ये उपग्रह कब अंतरिक्ष में पहुंचेगा, 2023 में पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सांस अभियान कब प्रारंभ हुआ, 5 फरवरी 2021 को। सांस का फुल फॉर्म का सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान, ये किसके लिए स्टार्ट किया गया, शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए स्टार्ट किया गया है। आगे देखते हैं, समझौता किसके किसके साथ में हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए समझौता किया गया, IAP इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक। अगर आपसे पूछा जाए कि देश का शिशु मृत्यु दर देश की है 32, देश की शिशु मृत्यु दर क्या है, 32, और मध्य प्रदेश की क्या है, 48, जो भारत में सर्वाधिक। भारत की तो 32 है लेकिन मध्य प्रदेश की कितनी है, 48, और अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। 15वीं बार लगातार मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में 15 साल से लगातार अव्वल है। शहरी क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर कितनी है, 36 मध्य प्रदेश में ये, और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर 52 है और शहरी क्षेत्रों में 36 है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में ओवरऑल शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो शिशु मृत्यु दर कितनी है, 32, और मध्य प्रदेश में ओवरऑल कितनी है, 48। मातृ मृत्यु दर 173 मध्य प्रदेश की है, जन्म प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु दर कितनी है मध्य प्रदेश में, पर 1000 पर, यह नोट करना, जो भी 1000 पर जन्म लेने वाले बच्चों
जीवित 1000 पर जीवित जन्म लेने वाले हो और वो जीवित जन्म लेने वाले एक वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका आंकड़ा दर्शाता है। सबसे अधिक कहाँ का है? असम का है। आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा में सर्वाधिक उत्पादन में कौन सा राज्य पूरे देश में प्रथम स्थान पर है? सौर ऊर्जा में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है सौर ऊर्जा, मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की कुल बिजली नवीनीकरण इसमें कितनी है? 5042 मेगावाट, 5042 मेगावाट। अगर इसमें देखा जाए तो पवन ऊर्जा की कितनी है? पवन ऊर्जा की 2444 मेगावाट। इसमें सौर ऊर्जा की कितनी है? सौर ऊर्जा की है 2380 मेगावाट, 2380 मेगावाट सौर ऊर्जा की है। अगर अपन देखते हैं इसमें बायोमास, कितनी है? 119 मेगावाट। और इसमें जल विद्युत परियोजना के तहत कितनी? 99 मेगावाट। अगर आपसे पूछा जाए, अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? किसका? होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की घोषणा की है। होशंगाबाद। इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, होशंगाबाद जिला, इसका नाम अभी नर्मदापुरम कब घोषणा की? 19 फरवरी 2021 को घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए कि होशंगाबाद संभाग का नाम परिवर्तित, संभाग का नाम तो पहले ही चेंज हो गया था, संभाग उस समय कोई नर्मदापुरम नाम की कोई जगह ही नहीं थी, लेकिन मतलब होशंगाबाद का नाम, संभाग का नाम नर्मदापुरम 27 अगस्त 2008 में कर दिया था, लेकिन हाल ही में 19 फरवरी 2021 को होशंगाबाद जिले का नाम परिवर्तित क्या कर दिया है? घोषणा करी है नर्मदापुरम। इसमें देखते हैं और होशंगाबाद के साथ साथ में किसका नाम परिवर्तित करने की घोषणा की, जो ग्राम बाबरी का नाम ये भी कहाँ है? होशंगाबाद में, बाबरी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? बलरामपुर। अगला है बाबरी घाट। दोस्तों ये घाट हो सकता है महत्वपूर्ण हो, घाटों के बारे में मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखते हैं बाबरी घाट का नाम परिवर्तित क्या है? बलरामपुर घाट। ये भी कहाँ है? होशंगाबाद, सागर का ये अमृत पार्क है जो सागर जिले में, अमृत पार्क इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? अटल पार्क। आगे है नसरुल्लागंज बेरुंदा, ये कहाँ का है? सीहोर का, इसका भी नाम परिवर्तित कर दिया है। आगे देखते हैं 14 नंबर, भोपाल नगर निगम द्वारा ड्रीम भोपाल ग्रीन स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चयन किया गया, इसमें किसका चयन किया गया? ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल। इसमें देखते हैं दोस्तों नगर निगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, प्लास्टिक राक्षस अभियान, किस नगर निगम द्वारा चला गया है? तो ये इंदौर, नगर निगम, से संबंधित दोस्तों जितने भी इंपोर्टेंट तथ्य थे मैं यहाँ पे ले आया हूँ। जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी, मैंने पढ़ा था दोस्तों शायद पहले लेक्चर में, जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश जन अभियान,
ये क्यों स्टार्ट किया गया है? स्वच्छता में मध्य प्रदेश को टॉप पे लाने के लिए। किस नगर निगम के द्वारा? यह है खंडवा नगर निगम के द्वारा, खंडवा नगर निगम, खंडवा नगर निगम के द्वारा। प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL प्रतियोगिता किस नगर निगम द्वारा शुरू की गई है? तो यह है इंदौर नगर निगम द्वारा। इसमें तीन या चार कोई टीमें बनाई गई थी, उसमें सर्वाधिक प्लास्टिक लाने वाले को यह अवार्ड दिया है। आगे देखते हैं, सरस मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? सरस मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोपाल में। इसमें किसका किसका ज़्यादा प्रचार होता है? ये हस्तशिल्प कला जो चमड़े के जो है खेल उद्योग, चमड़े के खिलौने ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? भोपाल में। कुछ महत्वपूर्ण मेले देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नागाजी का मेला कहाँ लगता है, नागाजी का मेला लगता है मुरैना। मुरैना में कहाँ पे? पोरसा। अगर आपसे पूछा जाए कि कान्हा जी का मेला कहाँ लगता है, कान्हा बाबा का मेला, ये हरदा। हरदा में कहाँ पर? सोडलपुर। सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? सिंगा जी का मेला ये कहाँ लगता है? पिपलिया। ये कहाँ पर है? खंडवा में। पिपलिया कहाँ पे है? खंडवा में है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित होगा? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टेनिस टूर्नामेंट, ये टेनिस टूर्नामेंट कहाँ हो रहा है? टेनिस टूर्नामेंट ये कहाँ पे होगा? टेनिस टूर्नामेंट इंदौर में आयोजित होगा। देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसका सही आंसर क्या है? इंदौर। मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1957 में की गई। अनुषा कुटुम्बले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुषा कुटुम्बले ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है टेबल टेनिस से, टेबल टेनिस से। इसको लाने का कारण क्या है? 2020 में एकलव्य अवार्ड मिला है। एकलव्य 2020 का एकलव्य अवार्ड किसको मिला है? अनुषा कुटुम्बले। दोस्तों इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लिएंडर फेस, ऑप्शन ए महत्वपूर्ण तथ्य। लिएंडर फेस क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत का या भारत में एकमात्र खिलाड़ी जिसने 7 ओलंपिक में भाग लिया, 7 बार ओलंपिक में भाग लिया। लिएंडर फेस जिसने 7 बार ओलंपिक में भाग लिया किससे संबंधित है? यह भी टेनिस से संबंधित है।
महेश भूपति, महेश भूपति टेनिस, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा भी टेनिस से संबंधित है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा विभाग उत्कृष्ट वर्कर्स को कर्मचारी ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित करेगा, कौन सा, महिला एवं बाल विकास विभाग। इसमें क्या होगा दोस्तों, जो कर्मचारी है उत्कृष्ट कार्य करेगा उनको सम्मान से कर्मचारी ऑफ द मंथ से सम्मानित करेगा, मतलब हर महीने करेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। इसमें देखते हैं कर्मचारी ऑफ द मंथ, मंथ से संबंधित एक और देखते हैं दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको मैं आप डिस्कस करता हूं, क्रिकेट से संबंधित है लेकिन यहां पे मंथ आया तो मंथ से संबंधित अपन डिस्कस करते हैं। बेस्ट प्लेयर, प्लेयर ऑफ द मंथ, अगर आपसे पूछा जाए कि बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ किनको किनको मिला है, ये पहला मिला था ऋषभ पंत, कब का मिला, जनवरी के लिए मिला इनको। फर्स्ट ये, दूसरा किसको मिला, दूसरा फरवरी के लिए आर अश्विन, रवि चंद्रन अश्विन को। और तीसरा किसको मिला, तीसरा मिला ये फरवरी के लिए मिला है, फरवरी के लिए, और तीसरा मिला है भुवनेश्वर कुमार, इसको मिला है मार्च के लिए। खास बात इनमें एक चीज ये है दोस्तों, ये सब क्रिकेट से संबंधित है क्योंकि बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ ये क्रिकेट में एक नया अवार्ड दिया जा रहा है, पहला ऋषभ पंत को मिला, दूसरा रविचंद्र अश्विन को मिला, तीसरा भुवनेश्वर कुमार, जनवरी में ऋषभ, फरवरी में अश्विन और मार्च में मिला है भुवनेश्वर कुमार। इसमें खास बात एक और है कि ये तीनों पहले फर्स्ट वाले तीनों भारतीयों को मिला है, भारतीयों को मिला है। अगला देखते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, रेखा शर्मा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नाजीरा खान को महिला कोविड वॉरियर्स का अवार्ड दिया गया, महिला कोविड वॉरियर्स अवार्ड, नाजीरा खान को कौन सा अवार्ड मिला है, महिला कोविड वॉरियर्स अवार्ड। ये कहाँ की है नाजीरा खान, पहली बात तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये कहाँ की है, श्योपुर जिले की है। अगला देखते हैं, संघन मिशन इंद्रधनुष अभियान कौन सा, 3.0 वाला, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में चलाया जाएगा, मध्य प्रदेश के चलाया जाएगा सात जिलों में। कौन कौन से जिले में चलाया जाएगा है, भोपाल, भिंड, छिंदवाड़ा, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर और ग्वालियर में। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई, 22 दिसंबर 2014। 22 दिसंबर ही क्यों, 22 दिसंबर है वो 25 दिसंबर को कौन सा दिवस, दिसंबर सुशासन दिवस क्यों मनाते हैं,
अटल बिहारी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। 7 रोगों के लिए टीकाकरण चलाया जा रहा है। 7 रोगों के लिए कौन कौन सा? डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, टिटेनस, पोलियो, टीबी और खसरा के लिए शुरू किया गया है। कौन कौन से? इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से शामिल है रोग? मिशन इंद्रधनुष में रोग कौन से शामिल है? डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, टिटनेस, पोलियो, टीबी और खसरा। मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? 18वें विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम बने। इसमें है कुंजीलाल दुबे। ये कौन है? कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा प्रसाद प्रजापति कौन से नंबर की थी? 17वें नंबर के, 17वां। सीता शरण शर्मा ये भी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन से नंबर के? 16वां नंबर के थे। आगे देखते हैं, नेशनल पार्कों की रेटिंग में विश्व के टॉप 25 नेशनल पार्कों में मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को चुना गया है? महत्वपूर्ण है ये भी। विश्व के टॉप 25 में कौन सा आया? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान विश्व के टॉप 25 राष्ट्रीय उद्यानों में चयन हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई? बांधवगढ़ की स्थापना हुई 1968। अगर आपसे पूछा जाए कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया 1993 में। अगला है, टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में। इसका सही ऑप्शन क्या है? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। इसमें है बांधवगढ़ से संबंधित दोस्तों, बाघों का घनत्व कहाँ है सर्वाधिक? ये भी कहाँ पे है? बांधवगढ़ में। सबसे अधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो कान्हा में। और अगर आपसे पूछा जाए कि बाघों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? तो बांधवगढ़ में। महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस करते हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की स्थापना 1968। फिर जंगल गलियारा किस राष्ट्रीय उद्यान में चलाया जा रहा है? बांधवगढ़ और कान्हा किसली। अगला है बेलून हॉट एयर सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो नाइट सफारी किस में? बांधवगढ़। और दूसरा है कान्हा। तीसरा कौन सा है? फेंच राष्ट्रीय उद्यान। नाइट सफारी कहाँ पे स्टार्ट की गई? कान्हा किसली, बांधवगढ़ और फेंच राष्ट्रीय उद्यान में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब ये किसके लिए? दुधारू पशुओं के लिए। किस शहर में बनाई गई है? जबलपुर में। एक अपन ने डिस्कस करा था गोकुल ग्राम, इससे संबंधित है, एक पशुओं से संबंधित। इसका सही आंसर क्या है? जबलपुर में।
लेकिन अपन एक बात करते हैं, इसका लिख देता हूँ मैं जबलपुर। अगर आपसे पूछा जाए गोकुल ग्राम की स्थापना मध्य प्रदेश के पहले गोकुल ग्राम की स्थापना कहाँ पर की गई, सागर के रतोना में। और सागर में देख लेते हैं एक डीएनए फॉरेंसिक लैब कहाँ पर है, ये सागर में। डीएनए फॉरेंसिक लैब कहाँ पर है, सागर में है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में महिलाओं के लिए सीकुंज स्मार्ट शौचालय बनाया जाएगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, उषा ठाकुर के द्वारा शुरू किया गया। कहाँ पे, इंदौर में। अगला देखते हैं मध्य सेंट्रल इंडिया का पहला ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा। सेंट्रल इंडिया का पहला है, कहाँ पे है, भोपाल में बनाया है। इसका सही आंसर क्या है, भोपाल में। आगे देखते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के तहत देश की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के तहत देश की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब, हाई सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी लैब ये क्या करेगी, जो खतरनाक टाइप की बीमारी है, वायरस है, उनकी क्षमता बताएगी कि वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, वायरस की क्षमता बताएंगे, क्षमता बताएगी कि वायरस कितना खतरनाक है। अगला देखते हैं आईपीएल 2021 में नीलामी में मध्य प्रदेश के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। 2021 की नीलामी मध्य प्रदेश के किसका चयन हुआ, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर, ये भी दोनों। रजत पाटीदार कहाँ का है, इंदौर का, ये क्रिकेटर है। वेंकटेश अय्यर ये भी कहाँ का है, इंदौर का है। वेंकटेश अय्यर का किस टीम में चयन हुआ था, यह हुआ था कोलकाता नाइट राइडर्स में। और रजत पाटीदार का चयन किस में हुआ, बंगलुरु, विराट कोहली की टीम में चयन हुआ था। एक और है आवेश खान, अभी हाल ही में चर्चा में है, इसका चयन तो पहले ही हो चुका था। आवेश खान ये भी कहाँ का है, इंदौर का। और ये किस टीम के लिए खेलता है, तो ये खेलता है दिल्ली डेयर डेविल्स, दिल्ली के लिए, दिल्ली कैपिटल, अभी वर्तमान में उसका नाम क्या है, दिल्ली कैपिटल, इसके लिए खेलता है। हो गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आज के लिए थैंक यू।